Now see, let's see some of the application of this questions on the applications of Faraday's laws and Lenz law. So how we will apply that particular laws. Now see, I would like to make you a review on the formula. Okay, the formula is the Faraday law. We say this Faraday equation, you can say. Faraday equation is about the induced EMF in the loop, that is the induced EMF in a loop. So this is all about the Faraday's experiment. तो ये लूप है और इस लूप में जो है मान लो कि फ्लक्स जो है ये इस प्रकार से आ रही है एंड द फ्लक्स जो है इस प्रकार से आ रही है एंड दिस फ्लक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम नाउ. ये टाइम के साथ वैरी कर रहा है, लिंक कर रहा है फ्लक्स एंड नॉर्मल फ्लक्स ऑफ कोर्स लिंक कर रहे हैं. तो इस टाइम में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है इसमें ये लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा दैट इज इक्वल टू इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे बोलूंगा मैं डी फाइ बी अपॉन डी टी इसकी मैग्नीट्यूड एट इंस्टेंट टाइम. ठीक है, और एक फॉर्मूला इसी का आप बना सकते हो ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन नीचे में क्या करो चेंज इन टाइम करो. ये भी तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्मूला बन के तैयार हो गया. तो ये फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला के आधार पर हमको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है. और दूसरी बात सरफेस में कितना फ्लक्स जाना है वो आपको पता है, दैट इज इक्वल टू सिर्फ क्या करेंगे बी इंटू ए अपन करेंगे. ठीक है, अगर बी बी अगर ए दोनों अगर बाय द वे बी और ए पैरेलल नहीं है दोनों में एंगल है तो कंपोनेंट करके अपन इसको और एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं द फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस. ये भी एक फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं एंड वी कैन यूज दिस फॉर्मूला इन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन दिस फैराडेज लॉज एंड लेंजेज लॉ. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल बी डीलिंग हियर. तो पहला क्वेश्चन मैं यहां पर डील करने वाला हूं वो ये है. तो बिकॉज यू शुड नो हाउ टू अप्लाई दोज लॉज एंड डील द प्रॉब्लम्स ना. सी आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द कॉइल है. Is varying according to the relationship. मतलब क्या बोल रहा है? The magnetic flux through a coil perpendicular to the plane is varying according to the relationship. ये phi जो है, that is equal to phi t cube plus 4 t square plus मान लो 2 t और मान लो 5. इतना वेबर इसके अनुसार ये वैरी कर रहा है, ये दिया है. नाउ ही इज टेलिंग दैट कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट टाइम. आपको ई इंड्यूस्ड यहां पर निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है आपको. ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू कौन से इंस्टेंट बताओ, ये दिया है 2 सेकेंड. यू हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. एंड ऑल्सो आपको निकालना है आई इंड्यूस्ड, दैट इज दिस इज द इंड्यूस्ड करेंट इन लूप. ठीक है, और दूसरी चीज याद दिया है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 5 ohms. सो दिस थिंग इज गिवन टू यू, सो यू हैव टू फाइंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, वेरी सिंपल. आपको क्या है कि यहां पर पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं. इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल दे, ये कॉइल है, ये कैसा कॉइल है आपके पास में, और कॉइल के अंदर में क्या क्या जा रहा है बताओ, ये सब क्या है, ये नॉर्मल क्या जा रहा है, ये फ्लक्स जा रहा है ना फाइव बी जो है, ये फ्लक्स जो है फाइव बी जा रहा है एंड फाइव बी इज अ फंक्शन ऑफ द टाइम, टाइम के साथ वैरी कर रहा है. तो कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ अगर वैरी करता हो और लिंक करता हो कॉइल का सरफेस को तो उसमें क्या हो जाएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा इस कॉइल में एंड दैट विल सर्कुलेट द करेंट. दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल सर्कुलेट द induced current. तो let's find the induced EMF. The induced EMF का formula क्या बच्चे बताओ? Yes, इसका magnitude का formula कितना होता है? D coil में एक ही turn है, तो एक ही turn में तो अपन क्या करेंगे? D phi b upon t. मतलब सीधा बोलो, इसको पूरा अपने को differentiate करना with respect to time. तो इसको differentiate करो, इसको
डी डी टी करो इसको और डिफरेंशिएट करो इसको, 5t³ + 4t² + 2t - 5। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी, देखो डी डी टी ऑफ 5t³ कितना हो जाएगा, ये 15t² + ये कितना हो जाएगा 8t + 2, 2t का 1 है तो मतलब 2, और 5 कितना होता है 0 होता है, कितना होता है। तो मेरे को यहाँ पर निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू हाउ मच, 2 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एट टी इज इक्वल टू कितना निकालना है 2 सेकेंड निकालना, तो इंस्टेंट टी इज इक्वल 2 सेकेंड डाल दो इसमें, तो 15 इंटू क्या हो जाएगा 2² ठीक है, प्लस 8 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर है तो ये कितना को 4 एंड 15 टू द 30, 15 टू द 45, 15 फोर द 60 प्लस ये 16 प्लस ये 2, it becomes how much? 6 + 2, 8 and 6 + 1, 78 volt. 78 volt EMF is produced. Okay. Okay. 6 + 7, 78 volt. Now after this you can find the value of induced current. Yes. I induced ka value kitna hota batao? I induced upon the resistance of the coil. So I induced will be how much? Induced how much? 78 volt upon resistance of coil is equal to 5 ohms. So your I induced will be, divide karo isko, 5 to the 10, 5 on the 5, 2, 5, 5 the 25, 5, 6 the 30, hai na? So 15.6 ampere is the current we are getting the induced current. So this is the way we used to do the questions on the Faraday's laws. The next question I'll dealing with. The next question. So the next question how we do? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा से हटके इससे है, ये क्वेश्चन ऐसा है, देखो यहाँ पर कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, यस यस, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट वही निकालना आपको। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या निकालना बताओ, आपको टू फाइंड अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ बोर्ड में, आपको कॉपी में होना चाहिए सारे क्वेश्चन, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। टू फाइंड ई इंड्यूस आपको निकालना है, ठीक है, फिर आई इंड्यूस निकालना है, एंड चार्ज एंड टोटल चार्ज फ्लो एंड टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम t = 0 to t0, ये निकालना है। क्या दिया आपको? आपको ये दिया है कि इस प्रकार से एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है, ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ। दिस मैग्नेटिक फील्ड यू नो इट इज पॉइंटिंग इनसाइड द व्हाइट बोर्ड, सो दिस ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वैरी कर रहा है बी नॉट टी स्क्वायर से वैरी कर रहा है, और यहां पर आपको जो है ये कॉइल दिया हुआ है, दिस कॉइल इज गिवन टू यू, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल है। अब कॉइल में मान लो मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा तो कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, लिंकिंग जो है वो भी वैरी होगा। अब फ्लक्स लिंकिंग अगर चेंज होगा, वैरी होगा, देन इस कॉइल में क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना, चलो बताओ, अपने को फॉर्मूला अपने को पता है, व्हाट फॉर्मूला यू नो, ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, यस इट इज नथिंग बट इट इज डी फाइव बी अपॉन डी, ठीक है, और रेडियस ऑफ द कॉइल मान लो आर है, रेडियस ऑफ द कॉइल मान लो आर है, ओके, डी फाइव बी अपॉन डी 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 टी इसका वैल्यू होता है। नाउ सी, ये जो रेडियस ऑफ द कॉइल यहाँ पर है तो आपको बी दिया है, तो फाइव बी अपने को निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव बी, यस दैट इज इक्वल टू बी इंटू क्या हो गया, एरिया हो जाएगा, सो फाइव बी हाउ मच इट इज, फाइव बी इज इक्वल टू फाइव भी क्या हो जाएगा, बी नॉट इंटू टी स्क्वायर, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी पाई इंटू क्या हो गया, आर स्क्वायर। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड, इंड्यूस इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ योर फाइव, फाइव इज इक्वल टू हाउ मच, बी नॉट टी स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर, तो इंड्यूस कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं इसको, बी नॉट पाई आर स्क्वायर और सीधा टू टी आ गया,
आर यू इंड्यूस आ गया इसमें। सो कैन यू फाइंड द आई इंड्यूस नाउ? यस, आई इंड्यूस कितना आ जाएगा बताओ? ई इंड्यूस्ड अपॉन इसकी रेडियस है कुछ, सॉरी रेजिस्टेंस कुछ है, मान लो इसकी रेजिस्टेंस क्या है, छोटा आर है। मान लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कितना है? स्मॉल आर। देन स्मॉल आर, देन जस्ट यू फाइंड द आई इंड्यूस कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर? B into pi into R square 2T upon small। अब चार्ज फ्लोन के लिए क्या फॉर्मूला तुम बता सकते हो? चलो बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लोन? नाउ यू सी आई इंड्यूस का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये क्या होता है ये, हाँ यस, ई इंड्यूस्ड अपॉन R होता है। और ई इंड्यूस क्या होता है बताओ? इंड्यूस की क्या होता है? इंड्यूस इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज डेल फाइव बी अपॉन आर इंटू डेल टी होता है। एंड ऑल्सो आई इंड्यूस जो है चार्ज के टर्म में क्या होता है? जो भी चार्ज होगा, चार्ज फ्लोन अपॉन आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम टी। दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करते हो सो अपॉन आर इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन क्या हो गया डेल टी। यहाँ से डेल्टी कैंसिल हो गया तो यहाँ से जो चार्ज जो जाएगा पास होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन द फ्लक्स में जो चेंज आया उस टाइम में और आर से डिवाइड कर। चलो चेंज इन द फ्लक्स, तो टी इज इक्वल टू जीरो में फ्लक्स क्या था? टी इज इक्वल टू जीरो में फ्लक्स क्या था बताओ? फाई इनिशियल क्या था? जीरो था। एंड टी इज इक्वल टू टी नॉट में फ्लक्स क्या था? ये देखो फ्लक्स, यहाँ पर ये फॉर्मूला फ्लक्स का पुट करो यहाँ पर, बी नॉट टी स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर था ये। तो फिर चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ? चार्ज ट्रांसफर हुआ यहाँ से फाइव, ये वाला हो जाएगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन ये हो जाएगा आर। तो फाइनल फ्लक्स कर दो यहाँ, बी नॉट टी स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज दैट इज ट्रांसफर। So this is the way we used to apply the Faraday's law and the Lenz's law in solving the questions on electromagnetic induction.